गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के अनमोल वचन। विषय है साधकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। साधकों को सांसारिक आसक्ति से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि यह जब ध्यान करने में बाधा उत्पन्न करती है। साधकों को अपनी विद्या, बुद्धि, यश, बल, पद, धन, जाति, संगठन आदि का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अहंकार उनके साधना पद से नीचे गिरा देता है। पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, अहंकार से सब कुछ विंस है, महर्षि में ही पदावली। साधकों को झगड़ालू स्वभाव का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह साधना पथ की उन्नति का बाधक है। सभी कोई मेरी बातों को माने, मेरे ही कहने पर चले, यह भाव अंत साधना की उन्नति का बाधक है। साधकों को इससे बच कर रहना चाहिए। साधकों को विवाह शादी में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह माहौल मन को बहिर्मुखी बनाता है। अगर कोई ब्रह्मचारी साधक 100 विवाह में भाग ले ले तो वह भी विवाह करके पक्का गृहस्थ बन जाएगा। इसलिए ब्रह्मचारी साधक को इससे बचकर रहना चाहिए। साधकों को कभी कभी शमशान घाट अवश्य जाना चाहिए। वहां जाकर शरीर की नश्वरता का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। इससे वैराग्य की उत्पत्ति होती है, जो साधना पथ की उन्नति का कारण बन जाता है। भोजन का संयम करने वाले साधक ही बिना हिले डुले एक आसन से देर तक बैठ सकते हैं और परमात्मीय अनुभूति का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए साधकों को प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ के पीछे पीछे ही भाग्य चलता है। साधकों को कभी भी माँ बहनों के किसी अंग को या उनके चित्र को टकटकी लगाकर नहीं देखना चाहिए। अगर किसी तरह देखने में आ भी जाए तो उसका स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मरण करने से मन में विकार उत्पन्न हो सकता है, जो साधना की उन्नति में अवनति का कारण है। साधकों को माँ बहनों के साथ हंसी मजाक या खेलकूद नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ एकांत स्थान में भी नहीं बैठना चाहिए, इससे वासना की उत्पत्ति हो सकती है। साधकों को इससे बचते रहने का प्रयास करना चाहिए। साधकों को अधिक गर्म भोजन, अधिक कड़वा, मीठा, खट्टा, लाल मिर्च, अधिक तेल घी, गर्म मसाला, अधिक लौंग, इलायची और सुपारी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यह शुक्र को पतला बना देता है। साधकों को रात्रि भोजन के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। कम से कम 1-1.5 घंटे बाद हाथ पांव को ठीक से धो पोंछ कर जब ध्यान करते हुए बाएं करवट से सोना चाहिए। विषय का चिंतन न हो इसका प्रयास करते हुए सोना चाहिए। जो साधक मध्यरात्रि में या ब्रह्म मुहूर्त में सचेतता के साथ ध्यानाभ्यास करते हैं, वे जल्द परमात्मीय अनुभूति प्राप्त करते हैं। जहां बच्चे या खर्राटा भरने वाले व्यक्ति हों, वहां साधकों को ध्यानाभ्यास करने के लिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे ध्यानाभ्यास करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। साधकों को यह याद रखना चाहिए कि रात्रि भोजन के बाद दूध या पानी पीकर तुरंत नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे कुस्वप्न होने की संभावना होती है, जो अंत साधना में शिथिलता उत्पन्न कर देती है। साधकों को यह याद रखना चाहिए कि दृष्टि के टिक जाने पर ही वे सब साधना करने के अधिकारी होते हैं।
पूज्य बाबा का ये अनमोल वचन साधक पीयूष नामक पुस्तक से लिया गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।